अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे और सऊदी अरब की कुछ जरूरी और बड़ी खबरें देखने के लिए आप हमारी वीडियो जरूर देखें, क्योंकि सऊदी अरब की चार खबरें हैं और तीन खबर फलस्तीन से रिलेटेड हैं और एक खबर लखनऊ एयरपोर्ट की है। तो आप लोग वीडियो पर बने रहें, वीडियो लास्ट तक जरूर देखा करें और हम कोशिश यही करते हैं कि आप लोगों को अच्छी से अच्छी खबर बताने की कोशिश करते हैं, ये अच्छी से अच्छी खबर हम आप लोगों को बताएं। तो देर ना करते हुए चलते हैं खबर की तरफ। खबर बहुत जबरदस्त होने वाली है और यह खबर फलस्तीन की है। फलस्तीन में इस टाइम पर ऐसी बमबारी की गई है और स्कूल के ऊपर बमबारी की गई है। वहां पर बताया जा रहा है कि एक खबर में बताया जा रहा है 93 लोगों की मौत हो गई है, उसमें औरत और बच्चे शामिल हैं। और एक खबर में यह भी बताया जा रहा है कि 100 लोगों से भी ज्यादा लोगों की मौत हुई है और बहुत सारे लोग जख्मी भी हुए हैं। और अमरीका ये बोलता है कि हम इसमें इन्वॉल्व नहीं है ये जंग में, लेकिन अमरीका ने इतना पैसा दे रहा है इसराइल को, जिसमें बताया गया है $3.5 बिलियन इसको दिया गया है असलाह के लिए। और अभी तक जो है 25,000 बच्चों तक की मौत हो चुकी है फलस्तीन में और ये बम दागा गया है। तो ये भी वीडियो आप लोग देख सकते हैं, बहुत खौफनाक है और बहुत जबरदस्त बमबारी हुई है। तो ये वीडियो आप लोग देख सकते हैं फलस्तीन की। और ये हमला किया गया था 13 अगस्त को, मंगलवार को हमला किया गया था और इतना भयानक हमला था ये कि वहां पर पूरी लाशें ही लाशें हैं। लेकिन हम आप लोगों को वो वीडियो नहीं दिखा सकते हैं क्योंकि YouTube के गाइडलाइंस का उल्लंघन होगा और खून खराबा दिखाने के लिए मना कर रहा है और स्ट्राइक आ जा रही है तो चैनल पर काम बंद हो जाता है। और ये खबर में सऊदी अरब की तरफ से निंदा की गई है और बताया गया है कि ये बहुत गलत हुआ है और मदरसों पर बमबारी की गई है, इसकी निंदा सऊदी अरब हुकूमत की तरफ से की गई है। और ये खबर सऊदी अरब की है। सऊदी अरब में 20 लोगों को, ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया गया है कि ये बॉर्डर क्रॉस करके अगर सऊदी अरब के अंदर आ गए हैं और कोई खिदमत उनको दे रहा है, यानी रूम दे रहा है रहने के लिए और खाना और सब चीज यानी व्यवस्था कर रहा है, तो ऐसे लोगों के ऊपर बार बार हुकूमत की तरफ से ये बताया जाता है $1 मिलियन का जुर्माना लगाया जाएगा और 15 साल के ऐसे लोगों को जेल हो जाएगी। फिर भी लोग नहीं मानते हैं, अगर कोई बॉर्डर क्रॉस करके आ जाता है सऊदी अरब में तो उनको भी जगह देते हैं, रिहाइश देते हैं और खाने पीने का पूरा इंतजाम करते हैं। तो ऐसे 20 लोगों को गिरफ्तार किया गया है सऊदी अरब में। और ये खबर सऊदी अरबिया जद्दा की है। जद्दा में एक इंडोनेशी को गिरफ्तार किया गया है और ये साइबर क्राइम का इल्जाम इसके ऊपर लगाया गया है और इस शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है जद्दा में। और जो हफ्तेवार रिपोर्ट आती है उसके बारे में हर हफ्ता हम आप लोगों को बताते रहते हैं। तो इसमें अकामा होल्डर और बॉर्डर सिक्योरिटी का उल्लंघन करने वाले और निजामे अमल की खिलाफ वर्जी करने वाले सब सारे गिरफ्तार होते हैं, तो उनके बारे में बारी बारी करके हम आप लोगों को जानकारी देते हैं। पूरे हफ्ते में जो गिरफ्तार हुए लोग हैं 20,471 लोगों को पूरे सऊदी अरब में ये गिरफ्तार किया गया है। पूरे हफ्ते में 12,972 लोग ये गिरफ्तार हुए हैं, अकामा होल्डर हैं। बहुत ऐसे लोग होते हैं जो कपिल से भाग जाते हैं, उन लोग भी गिरफ्तार होते हैं। और बहुत लोग हैं जो 2 नंबर से अकामा बनाते हैं, उन वो भी गिरफ्तार होते हैं। तो ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया जाता है। 12,972 लोगों को टोटल अकामा होल्डर को गिरफ्तार किया गया है। 4,812 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, ये बॉर्डर सिक्योरिटी का उल्लंघन कर रहे थे उस टाइम पर, इन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 2,687 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और ये निजामे अमल की खिलाफ वर्जी किए हैं और इन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 1,050 लोगों को गिरफ्तार किया गया है उस टाइम पर जब ये बॉर्डर में एंट्री ले रहे थे, तब उस टाइम पर इनको गिरफ्तार किया गया। 36% यमनी और 62% यतूबी और 2% अदर कंट्री के लोग हैं। 61 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और ये बॉर्डर से बाहर निकल रहे थे उस टाइम पर, इन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। और पहले से जो इनके पास गिरफ्तार हुए लोग हैं 14,932 लोग, ये पहले से इनके पास गिरफ्तार हुए लोग हैं। 13,522 ये मर्द हैं और 14,007 ये औरतें गिरफ्तार हुई लोग हैं इनके पास। पूरे टोटल इनके पास इतने लोग गिरफ्तार हुए हैं। और यह खबर दुबई की है। दुबई में टोयोटा कंपनी के शोरूम में आग लग गई, जिसमें बताया जा रहा है कि 5,000 गाड़ियां थी उसी में आग लग गई है, बहुत भयानक आग लगी है। तो ये भी वीडियो आप लोग देख सकते हैं क्योंकि सब गाड़ियां जलकर राख हो गई हैं और जल रही हैं, ये वीडियो आप लोग देख सकते हैं। और यह खबर लखनऊ एयरपोर्ट की है। लखनऊ एयरपोर्ट पर गोल्ड स्मगलर लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें 4 लोग हैं और ये बताया जा रहा है कि करोड़ों का सोना और करेंसी सब ये बरामद की गई है। और ये विदेश से जाने वाले लोग ऐसा हरकत करते रहते हैं और कई बार ऐसा सुनने में आता है कि कितने बार भी ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया जाता है, हर एयरपोर्ट पर हम न्यूज बताते रहते हैं। तो आप लोग ऐसी गलतियां ना करें क्योंकि बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी सब इस्तेमाल की जा रही है। तो आप लोग ऐसी गलती करेंगे तो आप भी जेल जाएंगे और आपके घर परिवार वाले भी परेशान होंगे। तो आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ऑल पे कर दें कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। मिलते हैं अगली खबर में, हमें दें इजाजत, खुदा हाफिज।